आप देख रहे हैं मिड के बाजार, दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक करवा हैं और लोकेश ऊपर हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपकी लगातार क्वेरीज हमें मिल रही हैं फोन लाइंस के जरिए भी और फेसबुक के जरिए भी। फेसबुक पर एक सवाल आया है विवेक का, और इनका सवाल है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर। 100 शेयर्स इनके पास, जो परचेजिंग प्राइस है वो 86 का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन भी शेयर किया है। विवेक, क्या करना चाहिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेकर? 86 परचेजिंग प्राइस है, स्टॉक अभी 59 पर ट्रेड कर रहा है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह की प्रोबेबिलिटी है 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की, हो सकता है वाइब्रेंस इन स्टॉक्स में लौटे। होल्ड कर ले भी या फिर निकल आए बाहर? देखिए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर जीएसटी के कारण काफी फायदा करेगा, ये तो बात तय है। अब आगे क्या होने वाला, जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये जो अनऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स कंपनीज है ना, उनका बिजनेस मॉडल ही अनवायबल हो जाएगा। तो ये जो भी लिस्टेड कंपनीज है, ये सारे फायदा करने वाली है। अब ये स्टॉक काफी करेक्शन दे चुका है और ऑफ लेट इसने बढ़िया नहीं किया है, तो मेरी ये रहेगी कि आप स्लो एंड स्टेडीली, जैसे जैसे ये नीचे जाता है, आप इसको बाइंग करते रहिए और एवरेज करते रहिए। एक सिंगल स्टॉक है ये, मतलब पर्टिकुलरली फ्रोजन साइड में बहुत, मतलब कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये इंटरेस्टिंग कंपनी है, होल्ड कीजिए पोजीशन और एवरेज भी कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ नितिन है पुणे से। नितिन, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। या आई एम ओनिंग फूड एट द रेट ऑफ 90 एंड माय शॉर्ट टर्म इज ऑलमोस्ट फॉर 1 to 2 months, सो हाउ व्हाट विल बी द माय प्राइस इन 2 months? ठीक है, कोहिनूर फूड्स क्या करें लोकेश? ये इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 90 रुपीज का है, 93 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगेन, स्टॉक ने तो अच्छा मूव दिया है, लेकिन हायर लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है, अभी होल्ड रख लें, 2 महीने का नजरिया ये बता रहे हैं। देखिए दीपाली जी, कोहिनूर फूड्स को स्टडी करते हैं, वी सी अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल ऑफ 71 रुपीज एंड द स्टॉक हैज फेस अ रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 95। इसके चार्ट देख के साफ साफ लगता है कि बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न इज इंटैक्ट एंड द स्टॉक हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू टच द लेवल्स ऑफ 110 to 115। अगर आपका नजरिया है, आप थोड़ी पेशेंस रखते हैं, तो 110 से 115 का इसको होल्ड कीजिए, द स्टॉक कैन रिवॉर्ड यू इन द फ्यूचर। जी, एक और क्वेरी आई है हमें फेसबुक के जरिए दर्पण की, और सवाल है इनका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर। 200 क्वांटिटी इनके पास सिंटेक्स की, परचेजिंग प्राइस है 86 रुपीज का और होराइजन है इनका 1 month का। स्टॉक अभी 86 पर ट्रेड कर रहा है, अच्छा मूव दिया है इसने बजट से पहले, क्या करें विवेक? ये 1 महीने का नजरिया है, इनके परचेजिंग प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर ले? जो बात मैं पहले थोड़ी देर पहले वोल्टास के लिए बोल रहा था ना, वो स्टोरी यहाँ पे भी लागू होती है। तो अगर गवर्नमेंट बजट में बिग स्पेंडिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर पे, और मेरे हिसाब से वहाँ पे और टैक्स ऑफ भी देने का चांसेस रहेगा, तो उस वैसा अगर कुछ होता है तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज फायदा करेगी। उस बेसिस पे ये स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है। ऑफकोर्स वैल्यूएशन कॉस्टली नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल इस कंपनी का बहुत बढ़िया है, तो आप फिलहाल होल्ड कीजिए, और अगर डिप्स आपको मिले तो यहाँ पे एवरेज भी आप कर सकते हैं, तो कंपनी बढ़िया है। बजट फैंसी शेयर है, बजट से पहले ऑलरेडी वाइब्रेंट रहा भी है, होल्ड आप कर सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे मिले तो एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा विवेक का मानना।